गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो हेलो हेलो और भी रह गया। एंड आज एरिजोना में अराउंड टेम्परेचर इज 45 डिग्री एंड उसमें हम जा रहे हैं आइस स्केटिंग करने, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सब लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। आई थिंक अथर्वा हैज बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो देखते हैं कैसे सब लोग गिरते हैं एंड स्टे ट्यून्ड। देखते हैं मुलेट अरीना देख सकते हो एंड यहाँ पे आइस स्केटिंग रिंग। सो वी आर नाउ एंटरिंग इन, देखते हैं कैसा होता है आइस स्केटिंग। जस्ट एंटर्ड इन और यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप है एंड हियर इज द आइस स्केटिंग रिंग। यू कैन सी यहाँ पे एएसयू की आइस हॉकी टीम प्रैक्टिस करती है। कुछ हफ्ते में 3-4 सेशंस रहते हैं पब्लिक स्केटिंग के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द पब्लिक स्केटिंग। देखते हैं, रिंग तो काफी बढ़िया लाइक लुक्स रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पर सब शूज चेंज कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर स्केटिंग नाउ। सो गाइस एक्साइटेड फॉर आइस स्केटिंग? यस। कितने बार गिरोगे सब लोग? यस लेट्स गो। चलो शूज अभी चेंज करते हैं, वी विल गो इनसाइड। रेडी टू स्केट? आर यू स्टिल वेयरिंग? And it is really difficult to stand. Ice skating मतलब मुश्किल लग रहा है थोड़ा। मुझे तो लग रहा है ये तीनों यहीं पे गिरेंगे। एक दूसरे को पकड़ो मत, गिर जाओगे। I think start होगा 5 मिनट में। We are waiting. बाकी लोग भी आ रहे हैं अंदर। Let's go. It's open. And यहाँ पे अपने आप से घुसने में ही डर लग रहा है। Everyone is really scared. मैंने तो बच्चों ने स्केटिंग की है फिर भी डर लग रहा है। Let's see. ये तो चलो चलो अभी मैं इंटर कर चुका हूँ। इट्स रियली डिफिकल्ट बट हो रहा है। आई थिंक अथर वो एक्सपर्ट है, उससे थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आइस स्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल स्केटिंग सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट बट लेट्स सी। प्रो एंड बाकी जो अभी तक अंदर भी नहीं आ रहे एंड सागर अभी जस्ट गया आगे बट ओ एंड सी देयर इज अ फॉल। बहुत रिस्की लग रहा है ये। ओके चल 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 वन मोर फॉल। अक्षरा यहाँ पे गिर चुकी है। थम थम यशवंत गिर गए। ऋतुजा कम ऑन कीप स्केटिंग। सो मजा तो बहुत आ रहा है बट माय फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू डू इट राइट नाउ। सीख रहे बट इट्स रियली फन। आइस स्केटिंग इज फन राइट। We have Atharva, he's doing it really well. He's going really fast now. Come on Atharva, show us the skills, come on. Hey, pakadwa. See, Saurabh bahut fast ja raha hai. And here is Atharva. I'll follow him. I'm trying to match his speed, but wo thoda fast hai. We have Nishant, come on, good going Nishant, good going. कैसा लग रहा है अक्षरा? रियल माना वी आर स्ट्रगलिंग बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम एटलीस्ट खड़े रह पा रहे हैं अभी। सो या होपिंग कि दिस राउंड वी कैन सो या थोड़ा टफ है। आइस स्केटिंग लगा नहीं था इतना टफ होगा बट इट्स टफ एंड थक बहुत थक जाते हैं। विश्वनाथ क्या कहना है? होप्स वेर लो बट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू इट। ए दैट्स माय बॉय। अभी सब लोग थोड़ा गिर चुके हैं, मैं अभी तक गिरा नहीं हूँ। ट्राई करते अभी और मैं गिरूँ। मानस गिरेगा देखना। वो रिकॉर्ड पे आएगा नहीं। सागर क्या कहना है? शूज बहुत टाइट रहना बहुत जरूरी है। मेरा नंबर थोड़ा लूज हो रहा था इसलिए एक साइज कम लेके आया हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है। गिरा तो बहुत बार हूँ। सागर ही सबसे देखते सागर बहुत नहीं बट सागर इज रियली ट्राइंग। देखते हैं अभी कैसा होता है। वी फाइनली हैव टू मोर पीपल कमिंग इन द सेंटर ऑफ द रिंग। सबने अभी सपोर्ट छोड़ दिया। ओह माय गॉड निशांत इज लिटरली स्केटिंग नाउ। ऋतुजा इज आल्सो गोइंग गुड।
देखते हैं बाकी सब अभी कर पाते हैं नहीं। विश्वनाथ और कांचन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आई होप दे विल कम बैक। अभी सब लोग सेंटर में आ गए, इट रियली फील्स लाइक यू कैन सी यहां पे कांचन है, शी इज ट्राइंग, एवरीवन इज ट्राइंग, मजा आ गई। कीप सेइंग हाय टू द व्लॉग विश्वनाथ, विश्वनाथ हाय। हेलो गाइस, ओ माय गॉड, सी दे आर टेकिंग अप द स्पीड, आई एम सो हैप्पी। यस ऋतुजा बिल्कुल सपोर्ट नहीं लेते हुए सागर सेंटर में आते हुए, ये कमन सौरभ कमन सपोर्ट छोड़, दाखल है, कीप गोइंग कमन, वहां के सागर आला। वो छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा स्केट कर रहे हैं यार, कमन मैं कब कर पाऊंगा, आइस स्केटिंग करना पड़ेगा ज्यादा, और असली मजा ऐसे रहते हैं। एंड वी आर हियर टू क्लिक अ फोटो, ऐसे पूरा आइस स्केटिंग रिंग का फोटो खींचे, वेटिंग फॉर एवरीवन टू कम। पैर उठ जा, ओ वाह नाइस। मिनट्स लेफ्ट एंड अभी मैं और आथरो थोड़ा स्पीड स्केटिंग ट्राई कर रहे हैं, जितना स्पीड ले सकते हैं ले लेंगे एंड देन आई थिंक विल रैप अप, बट वी हैव मेनी पीपल हु आर रियली एक्सपर्ट्स, आई शो यू, सी दे आर रियली डूइंग वेल। अभी जस्ट हम आई स्केटिंग से निकले, वी आर गोइंग बैक होम। कैसा था ऋतुजा एक्सपीरियंस? बहुत मस्त था, सब लोग गिर रहे थे पर उतना ही हमने सबने एंजॉय किया। यस इट वाज रियल नाइस। कांचन क्या कहना है? ऑसम था, अच्छा लगा, मजा आई। कितने बार गिरी तुम? चार बार, सॉरी झूठ, 10-15 बार गिरी। चार बार। निशांत कैसा था एक्सपीरियंस? हाँ प्रयोग खूब सुंदर, अतिशय सामान्य। हिंदी ये प्रयोग बहुत ही सामान्य और बहुत ही अच्छा था, ऐसा बेहतरीन प्रयोग आप आगे हर बार कीजिएगा। यस हमारा प्रो प्लेयर द बेस्ट वन अथर्व, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? गिर के भी बहुत मजा आया और दैट वाज पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, ओवरऑल जबरदस्त एक्सपीरियंस। अथर्व के गिरना थोड़ा ज्यादा हो गया बट ही वाज रियली गुड, ब्लूपर्स देख लो। यस ही वाज रियली रियली गुड। अक्षरा हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वॉज रियली नाइस, और थोड़ा टाइम मिलता तो शायद प्रो जैसे कर सकते थे, बट ठीक है। सबसे मस्त एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता था मेरे से हो पाएगा, बट एक डेढ़ घंटे के बाद सीखा मैंने, चला अच्छे से, मतलब स्केटिंग किया अच्छा लगा, गिरा बहुत बार, जैसे ये देख सकते हो, ये तो मैंने देखा ही नहीं। बहुत बार गिरा मैं, वो बंदा जो लाइफ जैकेट पहना था, जो मतलब लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशनरीज रहता है, वो मेरे पास ही घूम रहा था पूरा। 100 बार गिरा होगा ना तू? 100 बार सौरभ कैसी? हाथ किधर ऐसे नीचे क्यों कर रहे थे? यस बहुत मजा आया, सबसे ज्यादा मजा आया बर्फ में बैठने का, तो आप जब भी आओ एक घंटा में से
45 मिनट्स आप बर्फ में बैठो, वाह स्केटिंग तो होती रहेगी, वो तो आज है कल बर्फ रहना चाहिए, बर्फ इम्पोर्टेंट विश्वनाथ। मुझे एक बात का खेद है कि मैं आखिरी एक मिनट में गिर गया, बेचारा डेढ़ घंटा गिरा नहीं, लास्ट एक मिनट में गिर गया, लेकिन वो गिरने में मुझे लगता है अभी कि पहले ही गिर जाना चाहिए था और अच्छे से कर लेता। ये लोग डर रहे थे गिरने के, आप लेकिन पहले गिर जाते तो अच्छे से स्केटिंग कर पाते, थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले बढ़ जाता है अगर गिर जाते तो। बट ओवरऑल इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। आप टेम्पी में हो $12 में हो जाता है यहाँ पे आइस स्केटिंग, इट इज रियली 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 अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। I think this will be the end of the vlog. See you in the next one. Don't like to like, share and subscribe. Peace out.